हिमाचल प्रदेश में मशरूम और फूल गोभी खाने से चार लोगों की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में इन चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। मरने वाला व्यक्ति हरियाणा का निवासी था। जानकारी के अनुसार सोलन जिले के कसोली के गढ़खल गांव में मशरूम खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए धर्मपुर लाया गया, जहां इनकी हालत गंभीर देखते हुए इन्हें सोलन रेफर कर दिया गया है। चारों प्रवासी हैं और कारपेंटर का काम करते थे। मृतक की पहचान नजाकत निवासी पंचकुला हरियाणा के रूप में हुई है। अन्य सभी बिहार के रहने वाले हैं। बता दें कि गढ़खल में काम करने के लिए आए चारों प्रवासी बाजार से खाने के लिए मशरूम और फूल गोभी लेकर गए थे। घर जाकर इन्होंने मशरूम और फूल गोभी बनाई और रात को खाकर सो गए, जिसके बाद रात करीब 1 बजे इनमें से एक की तबीयत खराब हुई और उन्हें उल्टियां आनी शुरू हो गई। थोड़े ही समय बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। 5 बजे एम्बुलेंस को फोन किया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने पर उपचार के दौरान वहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, वहीं अन्य की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सूचना की जानकारी देते हुए डीएसपी परवाणु प्रणव चौहान ने कहा कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा, लेकिन प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सब्जी जहरीली होने के कारण ये घटना घटी है। वहीं अन्य तीन लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।